ये एक्चुअली CDO सर और BSS सर के, फिर BO सर के, BO ज्ञानपुर सर के आदेश के क्रम में महिला जागरूकता रैली, स्कूटी रैली निकाली गई थी, जो प्रारंभ हुई थी ज्ञानपुर GIC से और अंत हुआ उसका प्राथमिक विद्यालय गोपीगंज प्रथम, जो हमारा विद्यालय है उस प्रथम में अंत हुआ। और हरी झंडी सर ने दिखाई थी, BO सर ने, मनोज कुमार सिंह जी ने दिखाई थी। और यहाँ पे आके हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक किया है स्कूटी रैली के माध्यम से। बहुत सारे स्लोगन्स थे उसमें, मतदाता जागरूकता के साथ साथ जो संचारी रोग होते हैं उनके रोकथाम के लिए भी कई सारे स्लोगन्स, और जनता को समाज में एक मैसेज दिया गया कि संचारी रोग को भी रोकथाम, उसकी रोकथाम के लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए। और थर्ड थिंग, जो हमारे विद्यालय का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको कह सकते हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो स्कूल चलो अभियान वाली, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। और ये नवीन सत्र जो आरंभ हुआ है, उसी नवीन सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नामांकन हो हर एक विद्यालय में, इसमें हम सभी शिक्षिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज तो हमारा महिलाओं का ये एक स्कूटी रैली ऑर्गेनाइज किया गया था, कल परहैप्स पुरुषों की बाइक रैली भी होगी। तो ये समाज में हम लोगों ने एक मैसेज दिया है कि इस मैसेज के माध्यम से हम सब जागरूक बने, और जितने भी 18+ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, वो लोग भी इसमें मतदान में अपने मताधिकारों का प्रयोग करें। थैंक यू। मतदान जागरूकता रैली थी, महिलाओं को आज निकालना था। हमारे जिला में शिक्षा अधिकारी और सब शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ था कि जनपद के समस्त ब्लाकों में जो है यह रैली ग्राम सत्र से निकाली जाएगी। यह हमारा सौभाग्य है कि यह रैली ज्ञानपुर से निकल के आज हमारे पास विद्यालय गोपीगंज पर इसका समापन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से कर शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह जी उपस्थित रहे। उन्होंने धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। हमने भी समस्त शिक्षाधिकारी को सम्मान करते हुए इस रैली को सफलता की कामना की और यह आश्वासन दिया और लोगों को यह शपथ दिलाई कि हर हालत में हमको मतदान करना है, मतदान के लोगों को जागरूक करने के लिए। जब तक मतदान की तिथि नहीं आ जाती तब तक इनके प्रसारण हमको इसका प्रयास और सफल बनाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू।